करता हूँ। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज, यूनिट ऑल यूनिट मॉक टेस्ट सीरीज 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय अ स्कीम मल्टीप्लाई बाय इट्स मार्केट वैल्यू इज द यूनिट कैपिटल ऑफ द स्कीम, ट्रू और फॉल्स? चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फॉल्स। सवाल ये पूछा है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। सो यूनिट कैपिटल किसे कहा जाता है, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है। तो यूनिट कैपिटल के लिए कैलकुलेशन का फिगर कैसे आता है? सो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए हैं इनटू मतलब मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू नहीं होता है, फेस वैल्यू होता है, ठीक है। इज इक्वल मतलब नंबर ऑफ इशूड यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू यूनिट कैपिटल। तो मार्केट वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव फंड? ऑप्शन नंबर 1 इंडेक्स फंड, ऑप्शन नंबर 2 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ ऑफ द अबव, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड रह रहे। तो यहाँ पे सवाल किस बारे में पूछा गया है? पैसिव फंड के एग्जांपल्स। सो पैसिव फंड बेसिकली एक बार हम समझ लेते हैं फास्ट में। पैसिव फंड मतलब उस देखिए दो तरह से फंड मैनेजमेंट किया जाता है। एक होते हैं एक्टिव फंड मैनेजर, एक्टिव स्टाइल से इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड मैनेजर, और दूसरे होते हैं पैसिव स्टाइल से इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड मैनेजर। सो एक्टिव स्टाइल के फंड मैनेजर कौन से होते हैं? जो खुद अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। NSE जो है, उस पर 2500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो अभी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर पूरे 5000 में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, बराबर है। वो 5000 में से जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्कीम में कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये खुद का पोर्टफोलियो खुद बनाने वाले फंड मैनेजर होता है, उसे एक्टिव फंड मैनेजर कहते हैं, एक्टिव स्टाइल फंड मैनेजर कहते हैं। और दूसरे तरह के फंड मैनेजर जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, पैसिव फंड। तो पैसिव फंड के फंड मैनेजर मतलब कौन? कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें 5000 कंपनीज है जो अभी हमने बात की, उस 5000 कंपनीज में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने कुछ इंडेक्स बनाए, जैसे कि सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है? सेंसेक्स में 5000 में से BSE पे जो 5000 कंपनीज है, उसमें से सिर्फ 30 कंपनीज का एक लिस्ट है, उसे सेंसेक्स कहते हैं। तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज है। या निफ्टी आपने सुना होगा, तो निफ्टी जो है वो क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, जो 2500 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से 50 कंपनीज का एक लिस्ट या 50 कंपनीज का एक इंडेक्स, उसे हम निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो सवाल है हमारा कि कौन से फंड जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, तो इंडेक्स फंड ये एक पैसिव फंड का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो भी पैसा आता है इंडेक्स फंड में, वो फंड मैनेजर कहाँ लगाता है? उसी इंडेक्स में लगाता है। तो वहाँ पे खुद का पोर्टफोलियो खुद चूज नहीं करता है, जो ऑलरेडी सेंसेक्स बना है, जो 30 कंपनीज पहले से तय है, उसी 30 कंपनीज में ये पैसा लगा देता है। इसीलिए इंडेक्स फंड ये एग्जाम्पल है पैसिव फंड का। दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये क्या होते हैं? तो ये भी पैसिव फंड ही होता है, ठीक है। एक ऐसा फंड होता है, वो होता तो म्यूचुअल फंड है, बराबर है, मतलब म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन ट्रेड कहाँ होता है? उसे खरीदना है आपको, खरीदना बेचना है, तो आपको एक्सचेंज के ऊपर में जाना होता है। तो हमारे यहाँ पे भारत में गोल्ड ETF पॉपुलर है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है पैसिव फंड का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड? चूज योर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 टैक्स डेफरल, ऑप्शन नंबर 2 टैक्स बेनिफिट्स, ऑप्शन नंबर 3 इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। चूज योर ऑप्शन।
Okay, and the correct answer is all of the above. So generally ye agar sawal aata hai to iska answer should be the all of the above. ठीक है, म्यूचुअल फंड के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस सभी होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज में लिया है क्योंकि अगर आपको ऑप्शन पढ़ के अगर आपको कंफ्यूजन ना हो कभी, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने लिया है. सो पहला जो ऑप्शन है टैक्स डेफरल, इसका मतलब ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे रिगार्डिंग और कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है. तो ये हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको यही सवाल आएगा ऐसा नहीं, लेकिन आपको ये जो हम अभी एक क्वेश्चन के बाद में जो डिस्कशन कर रहे हैं इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे आप कोई भी सवाल आता है तो आप सॉल्व कर सके. ठीक है, सो टैक्स डेफरल क्या होता है? तो देखिए, अगर हमने एफडी की है तो एफडी का जो भी ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है, उसका हिसाब जो होता है, मतलब टैक्सेशन के हिसाब से हर साल करना होता है. भले ही आपने क्यूमुलेटिव एफडी ली हो, लेकिन आपको हर साल जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसके ऊपर में टैक्सेशन टैक्स देना होता है. बराबर है? अभी म्यूचुअल फंड में बेस्ट पार्ट यह है कि टैक्स ही नहीं आता है. मतलब म्यूचुअल फंड में जो भी टैक्स नहीं आता है ऐसा नहीं है. म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो भी रिटर्न आते हैं उसे इंटरेस्ट नहीं कहते, उसे एक तो डिविडेंड बोलते हैं या कैपिटल गेन होता है. बराबर है? अगर किसी इन्वेस्टर ने ग्रोथ ऑप्शन लिया है, ठीक है, ये टैक्स डेफरल जो होता है ये ग्रोथ ऑप्शन में ही होता है, इसको याद रखना है. टैक्स डेफरल ये ग्रोथ ऑप्शन में ही होता है. अगर किसी इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा डालते वक्त में जो ऑप्शन चूज करना होता है उसमें अगर ग्रोथ ऑप्शन चूज किया है, तो उसमें क्या होता है कि जब तक इन्वेस्टर पैसा निकालेगा नहीं, मतलब विड्रॉ नहीं करेगा, मतलब रिडम्पशन नहीं करेगा, तब तक उसको कैपिटल गेन होगा ही नहीं. तो जब तक उसको कैपिटल गेन हुआ ही नहीं है तो तब तक हर साल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसे कहते हैं टैक्स डेफरल, मतलब टैक्स आगे ढकेलना. तो म्यूचुअल फंड में ये ग्रोथ ऑप्शन के थ्रू ये अवेलेबल है, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है टैक्स बेनिफिट्स. सो ये आपको पता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. ओके, और एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स टैक्सेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये एडवांटेजियस होता है बाकी स्कीम्स, बाकी जो एक्स्ट्रा अवेलेबल प्रोडक्ट्स है मार्केट में उस कंपैरिजन में. नेक्स्ट ऑप्शन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये शब्द महत्वपूर्ण है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेसिक मतलब या हमें जो समझना है वो ये है कि म्यूचुअल फंड जब भी शेयर खरीदेगा, फंड मैनेजर जब शेयर खरीदेगा तो वो एक दो शेयर नहीं खरीदेगा. ठीक है, अभी भारत में कुछ स्कीम्स अवेलेबल है, उनका AUM असेट अंडर मैनेजमेंट इज 39,000 करोड़. तो वो एक शेयर थोड़ी खरीदने जाएगा, वो खरीदेगा तो बड़ा ऑर्डर देगा. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब होलसेल वाला, होलसेल रिटेल वाला कंसेप्ट आप अच्छे से समझते हैं. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब होलसेल में जब भी आप कोई चीज़ें खरीदते हो, शेयर खरीदना या कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो आपको वो कंपेरेटिवली सस्ती गिरती है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है. तो सबका पैसा म्यूचुअल फंड में इकट्ठा आता है और फंड मैनेजर हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट करता है. बराबर है? इसीलिए म्यूचुअल फंड को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो होलसेल वाला है वो बेनिफिट मिलता है, इसीलिए ये भी म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है. ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ELSS, Equity Linked Saving Schemes, are required to hold at least fill in the blanks percentage of its portfolio in equity instrument. Option number 1, 65%. Option number 2, 60%. Option number 3, 80%. And option number 4, 85%. Choose your option. Okay, and the correct answer is option number 3, 80%. सवाल क्या है? ELSS schemes, जो section 80C में benefit देने वाली tax saving schemes जो होती है mutual fund की, equity link saving scheme, इसमें equity investment, equity में मतलब कोई अगर fund manager है ELSS fund का, तो उसने equity schemes में मतलब equity shares में direct equity market में minimum कितना पैसा डालना चाहिए और all the time उसने उतना इक्विटी में रहना चाहिए इन्वेस्टेड. तो उसका आंसर है
80%, इसको आपको याद रखना है, ELSS स्कीम में 80% ऑल द टाइम इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ लार्ज कैप फंड्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज शॉल बी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टोटल असेट्स। ऑप्शन नंबर 1 65%, ऑप्शन नंबर 2 80%, ऑप्शन नंबर 3 85% एंड ऑप्शन नंबर 4 75%। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 80%। सो लार्ज कैप फंड अगर होगा, जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ELSS स्कीम होगी तो कितना परसेंटेज, 80%। वैसे ही अगर कोई लार्ज कैप फंड होगा तो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लार्ज कैप कंपनीज में कितना होना चाहिए, 80%। ठीक है, किसी भी फंड को इक्विटी फंड कहलवाने के लिए 65% की इक्विटी की ज़रूरत होती है, बट क्योंकि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है तो सेबी ने मैंडेट किया है कि लार्ज कैप फंड ने इक्विटी में मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में डालना चाहिए। ठीक है, ELSS के केस में सेबी ने मैंडेट किया है कि 80% इक्विटी में डालना चाहिए। वहाँ पे याद रखना है आपको, ELSS फंड्स में उन्होंने कैपिटलाइजेशन नहीं बताया, लार्ज कैप मतलब लार्ज कैपिटलाइजेशन मतलब बड़ी साइज की कंपनीज, ELSS फंड में लार्ज कैप में 80% रखना चाहिए ऐसा नहीं बताया है। वहाँ पे बताया कि इक्विटी में आपने 80% रहना चाहिए, फिर लार्ज कैप में डालो या मिड कैप में डालो या स्मॉल कैप में या मिक्स कर दो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इन केस ऑफ मिड कैप कंपनीज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज शॉल बी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टोटल कंपनीज। ऑप्शन नंबर 1 80%, ऑप्शन नंबर 2 85%, ऑप्शन नंबर 3 65% एंड ऑप्शन नंबर 4 60%। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 65%। लार्ज कैप होगा तो 80% लार्ज कैप में, ELSS होगा तो 80% इक्विटी में, मिड कैप कंपनीज अगर होगी तो मिनिमम 65% ये मिड कैप कंपनीज में होना चाहिए, इसको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ थीमेटिक फंड्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर थीम शॉल बी परसेंटेज ऑफ टोटल पर टोटल असेट्स। ऑप्शन नंबर 1 65%, ऑप्शन नंबर 2 60%, ऑप्शन नंबर 3 80% एंड ऑप्शन नंबर 4 85%। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 80%। थीमेटिक फंड्स के केस में ये इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वो पर्टिकुलर थीम में, ठीक है, वो थीम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80% इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल असेट होना चाहिए, 20% बाकी डेट रख सकते हैं या और कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लिक्विड कैश भी रख सकते हैं अगर फंड मैनेजर चाहे तो, लिक्विड भी कैश, कैश भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैज लॉक इन पीरियड फॉर एटलीस्ट 3 years और टिल रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, ट्रू और फॉल्स। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। जो रिटायरमेंट सी सोल्यूशन, रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड ये एक नई कैटेगरी है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, इसमें चिल्ड्रंस गिफ्ट भी आते हैं,
रिटायरमेंट सेविंग्स भी कैटेगरी आती है। तो ये जो कैटेगराइज, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए, तो ऐसा है कि लॉक इन पीरियड जो होता है, जब भी आप रिटायरमेंट के हिसाब से पैसा डाल रहे हैं, इट शुड नॉट बी वन ईयर, क्योंकि रिटायरमेंट तुरंत थोड़ी होने वाला है। लॉन्ग, वैसे भी इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो रिटायरमेंट सॉल्यूशन के लिए ये जो लॉक इन पीरियड सेबी ने तय किया हुआ है वो मिनिमम 5 ईयर्स का है, और टिल रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये 3 ईयर्स का नहीं है ELSS में, वो 3 ईयर्स का है। यहाँ पे रिटायरमेंट सेविंग्स जो है, सॉल्यूशन जो है फंड्स, उसमें 5 ईयर्स का है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड्स हैज अ लॉक इन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर टिल द और टिल द चाइल्ड अटेंड्स एज ऑफ मेजॉरिटी। चूज योर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 18 ईयर्स, और ऑप्शन नंबर 4 1 ईयर। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 5 ईयर्स। तो आपको चिल्ड्रंस गिफ्ट के हिसाब से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है स्पेसिफिक 18 ईयर्स अटेंड्स एज ऑफ मेजॉरिटी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस गिफ्ट भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड में आता है, रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए भी 5 ईयर्स और चिल्ड्रंस गिफ्ट के लिए भी मिनिमम 5 ईयर लॉक इन पीरियड है। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ इंडेक्स स्कीम्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स शॉल बी परसेंट ऑफ टोटल असेट। ऑप्शन नंबर 1 65%, ऑप्शन नंबर 2 60%, ऑप्शन नंबर 3 80%, एंड ऑप्शन नंबर 4 95%। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 95%। ये आपको याद रखना है। इंडेक्स स्कीम्स जो हमने पैसिव फंड्स, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो पैसिव फंड्स का, तो इंडेक्स स्कीम्स किस लिए बनाई जाती है? फंड मैनेजर खुद का खुद पोर्टफोलियो चूज नहीं करता है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, इंडेक्स को कॉपी करता है। जैसे सेंसेक्स की इंडेक्स स्कीम होगी तो सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है उन्हीं 30 कंपनीज में ये पैसा लगा देता है। तो वहाँ पे 80-20 का रेशियो रख के कोई लॉजिक नहीं है। ये 95% होता है इंडेक्स स्कीम में। 5% का छूट इसलिए दिया है क्योंकि अगर रिडम्पशंस आते हैं तो फंड मैनेजर के पास में थोड़ा सा लिक्विडिटी होना चाहिए, हर बार शेयर बेचना ना पड़े, इसलिए 5% का लीवे दिया हुआ है। तो इंडेक्स स्कीम में वो 95% है। ठीक है, तो आपको ये सारे फिगर्स याद रखना है। ELSS में 80%, लार्ज कैप में 80%, मिड कैप में 65%, थीमेटिक में अगेन 80%, और इंडेक्स स्कीम्स में 95% उस पर्टिकुलर इंडेक्स का होना चाहिए। क्लियर है? सो दिस इज इट। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको नॉलेज मिला है, तो इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अभी नहीं किया है तो। एक और आपको अनाउंसमेंट हमें मुझे बतानी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आप पढ़ाई करते होते हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, या कोई क्वेश्चन है जो शायद हमने मॉक टेस्ट सीरीज में डिस्कस ना किया हो, लेकिन आपको इसके बारे में जानना है, आपको उसका आंसर चाहिए है। सो हमने एक काफ़ी सारे लोगों से ये कमेंट आया था कि एक ऐसा आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, सो डैट जिससे हमें हमारे सवालों का आप जवाब दिया करें। तो हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हर सैटरडे को शाम को 7 बजे तक जो भी सवाल हमें उस हफ्ते में कमेंट बॉक्स में आएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और उस वीडियो को हम रविवार को एवरी संडे हम 10 o'clock को उसे पब्लिश किया जाएगा। तो अगर आपके कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, या कोई स्पेसिफिक सवाल है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पहले भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, या उसको ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो ऐसे सवाल आप हमें लिख के भेजिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सो गाइज, वीडियो लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आया तो। थैंक यू वेरी मच फॉर joining us for the video series. Till then, thank you very much.